यह है आपके सामने कजान कैथीड्रल। कैथीड्रल का मतलब चर्च होता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में ये जो चर्च है कजान कैथीड्रल बहुत ही फेमस चर्च है। ये चर्च डेडिकेटेड है यहाँ की जो लोकल गॉडेस है देवी लेडी ऑफ कजान। चर्च के ठीक सामने है दूसरी सबसे फेमस बिल्डिंग शहर की जिसका नाम है सिंगर्स हाउस। तो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ सिंगर्स हाउस जो कि पहला स्काईस्क्रैपर भी कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग का। वो है आपके सामने ये सिंगर्स हाउस। तो यहाँ से थोड़ा सा क्लोज लुक आपके लिए जो मेन एंट्रेंस है वहाँ तक हम जाएंगे और उसके बाद अगर शायद ये ओपन है मेरे सामने शायद ओपन ही है अभी तो हम इसको अंदर से भी देखेंगे। तो बहुत फेमस जगह है यहाँ और जितने भी टूरिस्ट हैं जो सेंट पीटर्सबर्ग आते हैं वो 99.9% कजान कैथीड्रल तो देखने आते ही हैं। दूसरी बात टिकट नहीं है, फ्री है, फ्री में देख सकते हो। तो अभी अपन खड़े हैं कजान कैथीड्रल के सामने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे फेमस चर्च है ये सेंट पीटर्सबर्ग में। और सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं जितने भी कजान कैथीड्रल हैं, पहले तो एक शहर का नाम है रशिया में कजान, ठीक है। तो एक बहुत पुरानी कहानी है लेडी ऑफ कजान जो कि लोकल गॉडेस है, देवी है यहाँ की। अच्छा, उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पूरा बताऊंगा क्योंकि अभी अगर मैं बताना शुरू करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लेडी ऑफ कजान का है चर्च ये कजान कैथीड्रल, ठीक है। कजान कैथीड्रल के नाम से आपको चर्च जो है वो रशिया में ज़्यादातर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी खूबसूरत चर्च जैसे सेंट पीटर्सबर्ग में सभी शहरों में तो नहीं है। अच्छा, ये वाला जो है ये बहुत ही फेमस है। फेमस क्यों है, इसके दो रीज़न। तो पहला रीज़न ये है कि ये लेडी ऑफ कजान का चर्च है। जाहिर सी बात है कि रशियन लेडी ऑफ कजान को बहुत मानते हैं, यहाँ की देवी हैं और जब भी अल्लाह ना करे लेकिन जब भी कोई भी मुसीबत आती है उनके ऊपर या उनके देश के ऊपर तो उनकी सबसे पहली जो प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, ये जो भी दुआ मांगते हैं वो लेडी ऑफ कजान से ही मांगते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात कि चर्च बनाया गया 1801 से लेकर 1811 तक, तो 10 साल लगे इसको बनने में। अच्छा, इससे पहले इसी जगह पर एक दूसरा चर्च था क्योंकि जिसको हटाया गया और इसको उसी जगह पर बनाया गया 1811 तक बना, 10 साल में बन के कम्प्लीट हो गया। अब 1812 में नेपोलियन ने अटैक किया रशिया के ऊपर, तो रशिया की जो आर्मी को लीड किया वो थे इनके आर्मी कमांडर जिनका नाम था कुतुजोव, ठीक है। कुतुजोव का स्टैचू यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो आप स्टैचू देखोगे ये है कुतुजोव का स्टैचू। और कुतुजोव की जो कब्र है वो अंदर है कैथीड्रल के। तो 1812 में इन्वेड किया, तो कुतुजोव भी लेडी ऑफ कजान को बहुत मानते थे। तो इन्होंने की प्रार्थना लेडी ऑफ कजान से कि इस मुश्किल से भैया देश को और इनके लोगों को निकालें। ऐसा कहा जाता है कि प्रार्थना सुनी और जो हमला था नेपोलियन का वो नाकाम साबित हुआ, ठीक है, और रशिया ने वो लड़ाई को जीता। अब जब इनकी मौत हो गई, इनकी डेथ के बाद इनको अंदर दफनाया गया और ये जो स्टैचू है कुतुजोव का इसको 1837 में यहाँ पर लगाया गया। तो अभी अपन चलेंगे कैथीड्रल के अंदर, कैथीड्रल को देखेंगे अंदर से। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं हम अंदर कजान कैथीड्रल के। वैसे वीडियो और फोटो लेना मना है लेकिन कोशिश करूंगा अंदर बनाने की और आपको दिखाने की। चलो चलते हैं अंदर। तो ये है एंट्रेंस, यहाँ से अपन करेंगे एंटर, ठीक है। चलो चलते हैं। ये काउंटर है जहाँ पर आप अपनी विश लिख सकते हो, अपनी दुआ लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर लिखने के बाद आप दे दो जो प्रीस्ट है उनको, तो वो जो प्रेयर होती है उसमें इस दुआ को बोलेंगे, ठीक है, और ऊपर वाले से बोलेंगे कि आपकी दुआ को सुन लें। दूसरा, यहाँ पर मिलती है कैंडल्स, तो यहाँ पर कैंडल खरीद के आप चर्च में लगा सकते हो। तो ये है आपके लिए अंदर से चर्च का व्यू, ठीक है। ज़्यादातर जब भी पिक्चर्स देखोगे आप वो लेडी ऑफ कजान की होंगी या वर्जिन मैरी की, जिसे हम जिन्हें हम मरियम कहते हैं।
ठीक है, ये मेन हॉल है चर्च का, तो ऊपर से भी आप देख सकते हो। ये जो कुपल है हमने बाहर से देखा था, और ये पूरा मेन हॉल। अच्छा, इस हॉल के अभी राइट हैंड साइड पर मैं आपको एक कवर दिखाऊंगा, ये वाली, ये जो कब्र है वो है कुतुबुद्दीन की, कुतुबुद्दीन का स्टैचू लगा हुआ है बाहर, जो कि आर्मी कमांडर थे रशियन आर्मी के, जिन्होंने नेपोलियन के अटैक के टाइम पे रशियन आर्मी को लीड किया था। ये है बिल्कुल जो सेंटर, अभी दरवाजे बंद है, जैसे कि जब प्रेयर शुरू होगी तो यहाँ से जो ये मेन बीच में गेट है ये खुल जाएगा, और जो मेन स्टैचू है वो आप देख सकते हो टाइम पर। शायद मुझे याद है कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि रशिया में जो क्रिश्चियनिटी है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है, तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन वैसे ही कह लो जैसे कि इस्लाम में शिया सुन्नी है, तो क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। चलते हैं बाहर, बाहर का रास्ता भी सेम ही है तो यहाँ पर दो एंट्रेंस दो एग्जिट, लेकिन अभी कोविड की वजह से सिर्फ एक ही एंट्रेंस है, जो कि मेन एंट्रेंस है, वहीं से एंट्रेंस है, वहीं से एग्जिट है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है आज का, ये कज़ान कैथीड्रल का, ठीक है, और जो भी आपके सवाल हैं रिगार्डिंग रशिया विजिट के, या फिर लीगलाइजेशन इन रशिया, या फिर आपका जो वीज़ा है, कोई भी आपका सवाल है, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या आप मुझे ईमेल कर सकते हो, तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए। बाकी अगर आपको रशिया विज़िट करनी है तो एनी टाइम यू जस्ट लेट मी नो एंड आई एम हेयर टू ऑर्गेनाइज विजिट विच विल बी अनफॉरगेटेबल फॉर यू।